टुडेज डिस्कशन इज ऑन लैटिट्यूडनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत की प्रमुख अक्षांशीय रेखाएं, भारत का अक्षांशीय विस्तार और इन सब का भारत की स्थिति के ऊपर प्रभाव। भारत की अक्षांशीय स्थिति को जानने से पहले अक्षांश क्या है ये जानना आवश्यक होता है। Latitudes are imaginary line drawn north and south of the equator, parallel to it, drawn in east-west direction. यानी कि अक्षांश काल्पनिक रेखा है जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में नापी जाती है या बनाई जाती है और इक्वेटर के पैरेलल ही बनाई जाती है, पूर्व से पश्चिम के डायरेक्शन में। ये रेखाएं एक दूसरे से पैरेलल चलती हैं, दे आर पैरेलल सर्कल्स। एंड जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, ये रेखाएं छोटी होती जाती हैं। इसीलिए इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट और द ग्रेटेस्ट सर्कल ऑन द अर्थ सर्फेस। अब हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं के महत्व की, यूजेस ऑफ लैटिट्यूड। अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की लोकेशन बताने में हेल्प करती हैं कि कोई स्थान भूमध्य रेखा से या किसी और स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है, और इसी के आधार पर हम स्केल ऑफ अ मैप बनाते हैं। देशांतर रेखाओं के साथ हम पृथ्वी तल पर किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। अक्षांश रेखाएं सीधे तौर पर जलवायु से जुड़ी हुई होती हैं और इन्हीं के आधार पर पूरे विश्व को तीन जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। द होल ग्लोब इज डिवाइडेड इंटू थ्री मेन क्लाइमेटिक जोन्स, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। अक्षांशों के आधार पर ही किसी को क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या काम करना है, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। उसी के साथ साथ ही किसी जगह पर किस तरह की जलवायु पाई जाएगी और उस जलवायु के अंदर किस तरह की वनस्पति पाई जाएगी, ये भी अक्षांश रेखाओं से पता लगाया जा सकता है। अब जब जलवायु के बारे में पता है, वेजिटेशन के बारे में पता है, तो वहां पर एनिमल लाइफ कैसी होगी, ये भी हम अक्षांश रेखाओं के आधार पर डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से किसी प्रदेश के अंदर कौन सा क्रॉप लगाया जाएगा, कौन सी फसल उगाई जाएगी, ये भी अक्षांश रेखाओं के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से हमारा पूरा सोशल एंड कल्चरल प्रेस्पेक्टिव जो है वो अक्षांश रेखाओं के माध्यम से जाना जा सकता है। इन दिस मैप वी कैन सी द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस ऑफ इंडिया। भारत की प्रमुख अक्षांश रेखाओं को हम देख सकते हैं। उसमें से सबसे पहले आती है हमारी उत्तरी स्थिति, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट रेखा होती है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। इसके अलावा जो तीसरी प्रमुख रेखा है वो भारत को बिल्कुल मध्य में से दो भागों में बांटते हुए निकलती है, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि बीचों बीच निकलती है भारत के, वो भारत के 8 प्रमुख राज्यों को काटते हुए निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दिस इज द लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। अब ये कर्क रेखा इन राज्यों में से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को काटते हुए निकलती है, ये हम एक टेबल के अंदर देखेंगे। गुजरात के अंदर ये कच्छ, सुंदरनगर, अहमदाबाद, मेहसाना, अरावली, साबरकांठा से निकलती है। राजस्थान में ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलती है। मध्य प्रदेश में रतलाम, उज्जैन, शाहजहांपुर, राजगढ़, सिलौर, भोपाल, विदिशा, रेजन, सागर, दमोह, कटरी, जबलपुर और उमियारा से निकलती है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा और कोयला, झारखंड में रांची और गुर्मिया, उसके बाद पश्चिम बंगाल में पुरलिया, बांकुड़ा, बर्धमपुर, नादला, त्रिपुरा में साउथ त्रिपुरा से निकलती है और मणिपुर में लुंगेरी शेरचिप से निकलती है। राजस्थान में हमने यहाँ पर देखा था कि मैंने बांसवाड़ा लिखा हुआ है, बट राजस्थान के अंदर 26 किलोमीटर जो है वो बांसवाड़ा में है और डूंगरपुर में केवल 2 किलोमीटर की दूरी कर्क रेखा पर आती है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द लैटिट्यूडनल इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इन द सदर्न पार्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स, विच इंक्रीजेस टू अप्रॉक्सीमेटली 5 आवर्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। दक्षिण भारत में दिन रात की लंबाई में लगभग 45 मिनट का अंतर पाया जाता है, जबकि उत्तरी भाग में ये अंतर बढ़कर 5 घंटे तक पाया जाता है। कर्क रेखा के मध्य से गुजरने के कारण भारत का दक्षिणी भाग ट्रॉपिकल या टॉरिड उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जबकि उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन के अंतर्गत आता है। यही भारत में विविध प्रकार की जलवायु, मृदा, वनस्पति, पशु जात पाए जाने के कारण बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? Why this happens? ट्रॉपिकल क्षेत्र के अंदर, इन द ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हम देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि भारत का दक्षिणी भाग, इट इज क्लोजर टू द इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा के बहुत पास में होता है और इसी वजह से यहाँ पर मैक्सिमम हीट पाई जाती है। दूसरा, दक्षिणी भाग इज क्लोजर टू द वाटर बॉडीज यानी कि जलीय क्षेत्रों के बहुत नजदीक पाया जाता है। दक्षिण भाग में हम देखेंगे इट इज बेसिकली अ टेपरिंग पेनिनसुलर जिसके तीनों तरफ समुद्र पाया जाता है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन, हिंद महासागर। एक्सेसिव वाटर की प्रेजेंस यहाँ पर पाई जाती है। एक्सेसिव हीट एंड अवेबिलिटी ऑफ एक्सेसिव वाटर, ये दोनों कारण बनते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कंडीशन फेवरिंग फॉर ग्रेटर रेनफॉल। इसी वजह से यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक वर्षा का होना पाया जाता है और जैसे जैसे हम तट से दूर जाते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ये वर्षा की मात्रा हमारी कंट्री का रेनफॉल पैटर्न डिफाइन करती है, इट डिफाइंस द रेनफॉल पैटर्न ऑफ आ कंट्री और यही आगे जाकर हमारी वनस्पति, पशुधन, कृषि और यहाँ तक कि हमारे कल्चर को भी आगे जाकर डिफाइन। A different question here arises, why India is considered a tropical country? भारत को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर क्यों गिना जाता है, जबकि कर्क रेखा भारत को दो प्रमुख भागों में बांटती है। उत्तरी और दक्षिणी दोनों भाग ही लगभग 15 डिग्री तक के विस्तार में पाए जाते हैं। उत्तरी भाग बड़ा है, चौड़ा है, दक्षिणी भाग का लगभग दुगना क्षेत्र उत्तरी भाग में पाया जाता है, बट जो कि टेम्परेट क्षेत्र के अंदर आता है, विच कम्स अंडर इन द टेम्परेट रीजन, बट स्टिल हम भारत को उष्णकटिबंधीय देश के नाम से
जानते हैं, उसके क्या कारण है। द मेन रीजन फॉर दिस इज हिमालय का उत्तरी भाग के अंदर होना। द कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय अ माउंटेन वॉल, जो कि उसको एक इंसुलेटेड कंपार्टमेंट के तौर पर बनाता है। भारत की जलवायु में ट्रॉपिकल मॉनसून्स की बहुत अहमियत है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत की जलवायु के अंदर मॉनसून, उष्णकटिबंधीय मॉनसूनों का एक विशेष रोल रहता है। और तीसरा, जो माउंटेन चेन पाई जाती है हिमालयस की, वो टेम्परेट एयर मासेस को भारत में प्रवेश करने से रोकते हैं। शीतोष्ण एयर मासेस भारत में हिमालय की वजह से प्रवेश नहीं कर पाते हैं। कई जगहों पर हम देखेंगे कि पंजाब जैसे राज्यों के अंदर टेम्परेचर रात को बहुत कम चला जाता है, जो कि कंपैरेबल है दूसरे टेम्परेट क्षेत्रों से। बट क्लियर स्काइज और इंटेंस इंसुलेशन यहाँ के टेम्परेचर को ऊंचा कर देती है, उठा देती है अप टू द लेवल ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसी वजह से यहाँ पर भारत में उष्ण कटिबंधीय दशाएं ज़्यादा पाई जाती हैं। हिमालय के अलावा भी जो कृषि का क्षेत्र है वो ट्रॉपिकल है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली क्रॉप्स जो है वो भारत के अंदर मैक्सिमम उगाई जाती हैं। इसीलिए हमारे इंडिया का कल्चर जो है वो टेम्परेट कंट्रीज से बिल्कुल डिफरेंट है, और इंडिया को हम एक ट्रॉपिकल कंट्री के नाम से जानते हैं।